आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जब रिश्ता छूट रहा हो ना हाथ से, जब प्यार दूर भाग रहा हो ना, जब ऐसा लग रहा हो कि मेरा रिश्ता, मेरा पति, मेरी पत्नी या मेरा रिलेशन किसी और के तरफ जा रहा है, तो कभी कदार तो ऐसा क्रोध लगता है कि मन करता है सच में कि एक आध लात मारने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा, लगता है ना। आज मैं कह रहा हूं कि इस चीज को 5 बार अपने पैरों से मारो, फिर तुम्हारा पार्टनर, पति, पत्नी, तुम्हारा रिश्ता किसी और का हो ही नहीं पाएगा। किसी और का होने से रोकना है ना, किसी और के पास जाने नहीं देना है ना। आप चाहते हो कि वो हमेशा आपके पास रहे। थोड़ा क्रोध भी है ना इस बात को लेकर के। इस चीज पर प्रहार करो अपने पैरों से, फिर देखना कोई दूर नहीं कर सकता। फिर वो दूर जा ही नहीं सकता, फिर वो किसी और का नहीं हो पाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। गौरी शंकरा आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन को बहुत बेहतरीन बनाया जाता है। आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनरशिप को, आपके वैवाहिक जीवन को, पारिवारिक लाइफ को और आपकी निजी लाइफ को बहुत सजा के, सवार के, सुव्यवस्थित करके, रिपेयर करके आपको वापस किया जाता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद बोल चुके हैं। यहां पर आने वालों में से 95% से ज्यादा लोगों के काम हो जाते हैं। इस श्रृंखला, इस व्यवस्था को निरंतर जारी रखा गया है। इसके पीछे 4000 लोगों की रिसर्च की टीम है। इसके पीछे पूरा का पूरा वर्किंग है। इसके पीछे बहुत निरंतर किया हुआ प्रयास है। इसको बहुत गंभीरता से किया जा रहा है। ये एक ऐसा काम है जो जीवन में श्रेष्ठता को बढ़ाने का काम कर रहा है। यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, परिषदों के सार बताए जाते हैं आपको। छोटी मोटी चीजें नहीं, स्पेशल चीजें आपको दी जाती हैं हमेशा। इसके बहुत सारे ऐसे उपाय हमने बताए हैं जिसमें 100% लोगों को फायदा हुआ है। 95% तो हर बार होता है, 95 से ऊपर तो हर बार हो जाता है, पर कितने उपाय ऐसे हैं जिसमें 100% होता है। लोगों ने बहुत बार मुझे कहा, हमेशा कुछ ना कुछ बात पूछते हैं। इस बार काफी दिनों से एक अलग तरीके के कॉल्स हैं हमारे पास कि साहब, हमारे पार्टनर की शादी होने जा रही है जी, उसका एंगेजमेंट हो गया जी, अब तो उसके घर वाले कहीं और देख रहे हैं, उसने कहा था हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अब तो वो धोखा दे रहा है या दे रही है। जो भी, मेल फीमेल को भेद नहीं करेंगे यहाँ पे, प्यार सिर्फ प्यार होता है। तो या तो हमारा अपना जीवन साथी जिसके साथ हम विवाह कर चुके, वो किसी और का हो गया, कोई और छीन के लेके जा रहा है, किसी और की तरफ वो आकर्षित हो रहा है या उसी की तरफ जाता है, हमें मालूम है सब कुछ, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत क्रोध होता है कभी कभी रिश्तों को लेकर के, कभी कभी रिश्तों को लेकर के इतनी गुस्सा होती है, छोड़ना नहीं है, प्यार भी उससे कहीं ज्यादा है पर क्रोध भी बहुत पर्याप्त मात्रा में। ऐसा लगता है कि मौका मिले तो थोड़ी पिटाई कर ले। वो मौका आज आपको मैं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, इस चीज को अपनी लातों से, अपने पैरों से प्रहार करना, पैरों से मारना, ऐसा करने के बाद आपका प्यार किसी और का होने का सोचेगा भी नहीं। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता किसी और की तरफ जा ही नहीं पाएगा। जीवन पर्यंत के लिए आपका होगा, हमेशा के लिए आपकी तरफ ही देखेगा और विश्व की कोई ताकत तोड़ नहीं पाएगी आपका रिश्ता। एक बहुत स्पेशल बात बताता हूँ आपको।
आपके पैरों का जैसे पूरा का पूरा शरीर है, शरीर के हर अंग में अलग ग्रह नक्षत्रों का प्रवास है, शरीर के हर अंग का अधिकार भी किसी और ग्रह का और देवताओं का है। जैसे नाभि में अगर ब्रह्मा जी रहते हैं तो हृदय में विष्णु जी रहते हैं, ऊपर भगवान शिव रहते हैं तो अंदर वायु भगवान रहते हैं, वरुण भगवान भी रहते हैं। तो सब देवी देवता और सारे ग्रह नक्षत्र अलग अलग अंग प्रत्यंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई संकट आए, जिस अंग में आए, आप समझिएगा वही देवता, वही शक्ति और वही ग्रह खराब हुआ है। इसके बारे में हमने बहुत बार समझाया आपको कि आप अपनी कार्मिक अकाउंट के आधार पर, कर्मों के आधार पर, कार्य के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सुबह उठकर क्या करो, रात में सोते समय क्या करो, कैसे जीना चाहिए, कैसे आपको अपना लाइफ बेहतर रखना चाहिए, वो सब चीजें हमने बहुत सिखाई आपको। पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस बारे में। आज हम आपको बहुत स्पेशल बात बताने वाले हैं कि आपके पैरों के निचले हिस्से में भगवान शनि का अधिकार होता है। इसी वजह से जब भी आपके चप्पल जूते खो जाए तो आप समझिएगा कि शनि उतरने वाला है और आपके लिए शुभ है। कितना भी महंगा चप्पल जूता खो जाए उस पर खेद मत करना और बड़े परेशान मत होना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हुआ है। पहली बात, जब आपको बहुत भागम भाग करना पड़े तो आप समझिएगा शनि का प्रकोप बढ़ रहा है अभी और ये आपको दौड़ाएगा। कभी कभी शनि पक्ष में दौड़ाता है, कभी विपक्ष में दौड़ाता है, कभी लाभ के लिए दौड़ाता है, कभी हानि के लिए दौड़ाता है, पर शनि का काम है दौड़ाना, भगाना। जब भी आपके राइट पैर में और लेफ्ट पैर में कहीं इचिंग हो, खुजली हो, तो आपको लगता है कि कहीं बाहर जाना पड़ेगा। फीमेल्स को लेफ्ट में और मेल्स को राइट में, कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अपोजिट हो जाए तो बोले यार यात्रा कैंसिल हो सकती है, ऐसी बड़ी मान्यता है पैरों को लेकर के। आपके तलवों में क्या निचले हिस्से में किसी ऐसी शक्ति का वास है जिसके स्पर्श मात्र से बहुत कुछ चेंज हो सकता है? भगवान राम को केवट ने अपने पैरों के निचले हिस्से को ही स्पर्श करने से क्यों रोका? जरा समझने की कोशिश करना। लोग हमेशा पूज्य लोगों को, ऋषियों को, महंतों को, संतों को क्यों पैर धोते हैं? उनके पैरों में क्या है ऐसा? क्यों उसकी रज को अपने माथे पे लगाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है वहां पर? क्यों मैंने 2-4-5 बार आपको कहा कि मेरे हाथ और पैर बहुत सुंदर है जी? कहा है जिन लोगों ने देखा उन्हें पता है। कोई तो कारण होगा इसका। क्यों पैर ही छुए जाते हैं आदर सम्मान में? बड़ा कारण बताता हूं। पैर आपके पुण्य कर्म का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? पुण्य कर्म का, शतकर्म के फल का प्रतीक है आपके चरण। चरणानुरज, ऐसे बोलते ना, चरणानुरज प्राप्त सकल कलोहम मनुष्य ज्ञात्वम यत पापधारी बिना सकृत को हित कर्म धम्शम हितोपदेशम नहीं ज्ञानकारी। हितोपदेश का ज्ञान है ये ऐसा अद्भुत मतलब आकार है, एक ऐसा अद्भुत साकार फल है जो अगर ज्ञान में आ जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। क्यों? आपको पता है बहुत अच्छे जानकार जो हैं, जो बहुत वैष्णव जन है, जिनके घर में बहुत पूजा पाठ होती है, जो बहुत सात्विकता को समझते हैं, जिनके जिनके घर में पूजा पाठ का थोड़ा ज्यादा प्रयोग होता है, उनको पता है कि संत, महंत, आचार्य, ब्राह्मण, वेदज्ञ ये घर आते जाते रहे तो अच्छा है। क्यों आते जाते रहे? पूरे इनके पैरों में सत्कर्म का प्रतीक है। इन्होंने जो भी सत्कर्म किए होंगे किसी भी जन्म में, वो सबका फल इनके पैरों में है। आप गरीबों के पैर देखिएगा, जो अतिशय दुष्ट लोग हैं उनके पैर देखिएगा,
जो बहुत श्रेष्ठतम लोग हैं उनके पैर देखिएगा। किसी भी व्यक्ति का पहचान उसका पैर है, सकल नहीं, रूप रंग नहीं, धन वैभव नहीं, किसी भी व्यक्ति का आकार, विकार, उन्नति, श्रेष्ठता, ये सब उसका पैर बताता है। चलो भाई आज मैं आपको अपना पैर दिखाता हूं, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो आप देख रहे हैं ना, मतलब अगर आप सामने से देखेंगे तब भी समझ में आएगा। खैर भाई क्या ही कर रहा हूं मतलब मुझे ना बैठे बैठे बुखार आता रहता है, कुछ भी कर देता हूं। जब भी आप किसी के पैर देखते हैं तो आप उस व्यक्ति का पूरा चरित्र चित्रण समझ सकते हैं। वो कितना श्रेष्ठ होगा, वो कितना धनवान होगा, वो कितना मतिमान होगा, वो कितना विद्वान होगा, वो कितना श्रेष्ठ होगा, वो कितना पुण्यात्मा होगा। मैं एक और बहुत खास बात बताता हूं, पुराणे कहती हैं, इतिहास कहता है कि जितने बहुत श्रेष्ठतम लोग हुए वो कहीं बहुत यूनिवर्सिटी टॉप करके नहीं आए थे, ना मीरा, ना नानक, किसी की बात कर लो, आप कबीर की बात कर लो, आप सूरदास की बात कर लो, आप रविदास की बात कर लो, ये सब कोई यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं थे, ये कोई दिनभर माला जब करने वाले लोग नहीं थे, ये दिनभर भगवान भगवान करने वाले लोग भी नहीं थे, उसके बावजूद भगवान इनके पीछे भागता था। और ये लोग पता क्या कहते थे, इनमें से एक बड़ा महान संत हुआ, उसने पता क्या कहा, बड़ी गंभीर बात है, थोड़ा गहरे उतरो तो समझ में आएगा। माला फेरूं न जप करूं, आहा, सुमिरन करूं न राम, माला फेरूं, माला फेरूं न जप करूं, सुमिरन करूं न राम, मेरा सुमिरन वो करें मैं पावा विश्राम। हाँ, बोले अब हमारे संबंधों में मैं स्मरण नहीं करता, मेरा मालिक मेरा स्मरण करता है। जितनी पुण्यात्माएं होंगी उनके पैरों के आकार से, उसकी सौंदर्यता से, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका चेहरा उतना सुंदर नहीं होगा जितना सुंदर उनके हाथ और पैर होंगे, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, जितने भी विशाल संत रहे होंगे दुनिया के, आप किसी को उठा के देखिए, रिसर्च करिए इस बात पर, थोड़ा मेरी बात को आंखें बंद करके मत मानना, गूगल करो, रिसर्च करो, थोड़ा जानो, थोड़ा समझो, फिर आगे बढ़ करके मानो। इसलिए मैं आज पैरों का उपाय बता रहा हूं आपको। चरण प्रहार क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भगवान विष्णु के हृदय पर किसी संत ने चरण प्रहार ही क्यों किए, और क्यों उन्होंने सहजता से ले लिया? चरणों में सत्कर्म का फल है, इसीलिए हम पैरों को हाथ से छू करके सर पर लगाते हैं, है ना? सत्कर्म तो हम यहां रखना चाहते हैं ना, इधर इतना ऊपर। आज वही बात बता रहा हूं मैं, आज का उपाय बहुत कारगर है, बस इतना कर लेना, इसको उसी भाव से करना, फिर देखना तुम्हें कितना बेनिफिट होता है। एक आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं, फिर भाई उपाय बताएंगे। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी थैंक यू सो मच। गुरुजी उसका मैसेज आया 4 महीने के बाद, उसका मैसेज आया, मैंने सोची थी कि वो मुझे भूल गया, वो मुझे याद ही नहीं करता होगा, इसलिए मुझे मैसेज नहीं करता या फ़ोन नहीं करता, लेकिन उसका मैसेज आ गया। कैसे आया? मुझे सब आपके वजह से, सब कुछ आपके वजह से, मैं क्या बोलूँ आपको। कुछ दिन पहले आपसे रोते हुए बात कर रही थी, लेकिन आज खुशी के आंसू निकल आ रहे हैं आंखों से, और क्या बोलूं, आप
का कॉल आने के बाद मेरे साथ मैजिक होने लगा है। मैजिक, मैं नाचूं या क्या करूं मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो और हर चीज तुम्हें मिले जो भी तुम्हें चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है, तुम जबरदस्ती मुझे बहुत बड़ा बना रहे हो, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। जब भी किसी को श्रेष्ठ मानना हो तो धन से, बल से, वैभव से, नाम से, यश से, कीर्ति से, परंपरा से मत मानना। श्रेष्ठ मानना है तो भाई किसी के पैरों की आकृति से मानना। मंदिरों में चरण पादुकाएं रखी होती हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। और एक का बात पता है, विश्व की सबसे ज्यादा ताकतवर वस्तु तुम्हारी चरण पादुका है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो बड़े बड़े संतों को केवल चरण पादुकाएं स्पर्श करा के अपने घर में रख लेते हैं। जब कोई किसी को अतिशय मान लेता है और वो उसे अपने साथ हमेशा रखना चाहता है तो फोटो और पिक्चर नहीं भाई, ये सब बकवास है, मुझे भी लोग फोटो मेरी मांगते हैं। तो कहता भाई मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या करोगे मेरी फोटो रखकर, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, चिंता मत करना। तुम जब भी गलती करोगे तो मेरे डांटने के लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, है ना। आपको पता है भगवान राम को उनके छोटे भाई भगवान के रूप में मानते थे। जब वापस लेने आए तो क्या लेके गए आपको पता है ना, किसी अच्छे भजनकार का बड़ा फेमस भजन है, ले जा खेडाऊं भरत भैया, ले जाओ खेडाऊं भरत भैया, भरत भैया, भरत भैया इन खड़ाऊं को लेके जाओ, लेकर खड़ाऊं सिंहासन पर रखना। अगर तुम मानते हो कि मुझे ही राज्य करना चाहिए तो जाओ इसे सिंहासन पर रख देना और मानना कि तुम्हारा भाई यही बैठा है। ये मान्यता उस युग की है कि तुम्हारी चरण पादुकाओं में वो बल है कि तुम वही विद्यमान हो। अब तुम्हें क्या करना है उपाय में, तुम्हें अपने नीचे हिस्से के अंदर वस्त्र को अपनी चरण पादुकाओं से, चरण पादुकाएं पहनकर, हाँ चप्पल जूते जो भी तुम पहनते हो, चप्पल जूता सैंडल जो भी स्लीपर जो डालते हो उसको पहनकर, स्त्री हो तो बाएं और पुरुष हो तो दाएं पैर से खूब तेज तेज मारना 5 बार। सत्य मानना, अहिल्या की तरह पत्थर भी कोई हो गया होगा तो वो फिर से वापस अपने निजता और अपने स्वयमेवता में हो जाएगा। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से ये काम करना, प्रहार करके इस वस्त्र को किसी खास जगह पे संभाल कर रखना और इसमें सुगंध डालते रहना, तब तक जब तक काम ना हो जाए पूरा, तब तक पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, उल्टा सीधा सोचना, निगेटिव थिंकिंग रखना, गुरु निंदा सुनना और रोना टोटल मना है। प्रीवियस लाइफ तुम बताओगे ही नहीं, पैसों का आदान प्रदान तो अब तुम करोगे ही नहीं, तुम्हें पता चल चुका है। तुम अपना ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें एक मंत्र सिखाया था ना, मेरा हर पल मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है, करते हो ना। अगर नहीं करते तो वीडियो देखना जरूर और करना शुरू कर देना। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।